18 पुराणों में गरुण पुराण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पुराण के सभी पाठ कुछ नए विचार प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग जीवन पर वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए किया जा सकता है। यह हिंदू धर्म के केंद्रीय विचार और दर्शन पर विस्तार करता है। यह दावा करता है कि सभी देवता, सभी मानव शरीर के अंदर और बाहर मौजूद हैं। गरुण और भगवान विष्णु के बीच हुई वार्तालाप से संबंधित बातें गरुण पुराण में है। गरुण पुराण जीवन और मृत्यु के सभी रहस्यों को प्रकट करता है। पुनर्जन्म और मानव आत्माओं, नरक और भयानक दंडों के बारे में जानकारी प्रदान करता है गरुण पुराण। साथ ही जीवन को पूरी तरह जीने और सही रास्ते पर चलने का तरीका भी बताता है। कई बार हम जानने की कोशिश करते हैं कि शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं और उसके बाद क्या होता है। बहुत बार ये प्रश्न जहन में आता है। ग्रंथ और शास्त्रों में मृत्यु से संबंधित कई बातों का उल्लेख मिलता है। चलिए जानते हैं गरुण पुराण में मृत्यु के बारे में क्या कहा गया है, व्यक्ति की कैसे निकलते हैं प्राण। गरुण पुराण के अनुसार मृत्यु के वक्त इंसान की सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह हिल नहीं पाता। उस समय अंगुष्ठ मात्र आत्मा देह से निकलती है, जिसे दो यमदूत आकर पकड़ लेते हैं। उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाया जाता है और व्यक्ति के कर्मों को दिखाया जाता है। इस दौरान यमदूत उसको नर्क में मिलने वाले दुखों को विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनकर आत्मा चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। यमदूत उस पर दया नहीं खाते और उसे आगे ले जाते हैं। आत्मा को यमदूत अंधेरे रास्ते से यमलोक लेकर पहुंचते हैं। घंटों पूर्ण होने के बाद आत्मा को पुनः अपने परिजनों के पास 13 दिनों के लिए भेज दिया जाता है, जहां उसका संपूर्ण जीवन बीता था। 13 दिन बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक की तरफ प्रस्थान करती। गरुण पुराण में बताया गया है कि 13 दिन बाद यमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग, स्वर्गलोक, नर्कलोक और पितृलोक मिलते हैं। कर्मों के आधार पर व्यक्ति की आत्मा को इन तीनों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में यदि व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। जो अपने जीवन काल में कुकर्म करता है और भक्ति से दूर रहता है, उसे नर्क लोक में स्थान मिलता है। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है, इसलिए उन्हें यह पुराण सुनाने के लिए गरुण पुराण पाठ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महापुराण के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही परिजनों को भी सत्कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती है। गरुण पुराण के अनुसार यमलोक का रास्ता 99,000 योजन होता है। यमदूत यहाँ सजा देते हैं और यमराज की आज्ञा से जीवात्मा फिर से अपने घर आती है। जीवात्मा फिर से शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। वह भूख प्यास से तड़पती रहती है। उस जीवात्मा के पुत्र परिजन यदि पिंडदान नहीं करते हैं तो वह प्रेत बन जाती और जंगलों और सुनसान जगह भटकती रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 10 दिन पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान से मृतक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुण पुराण में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे पूरी तरीके से अच्छे से गरुण पुराण के अनुसार विदा करना चाहिए, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और बचे हुए व्यक्ति परेशान रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।